देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बैठ के होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अरविंद जी इसको एड्रेस कर रहे हैं बैठक को। तो ये बेसिकली यही है कि किस तरीके से पंजाब के विकास लिए दिन रात एक करना, किस तरीके स्ट्रैटेजी बना के हर एक मुद्दा जो लोगों के मुद्दे हल करने वाले वो मुद्दे हल करने हैं। सो अंदर जाके बाकी डिटेल्स दे विच सारा पता लग जाएगा। बहुत से विधायक पहली बार चुन कर आए हैं, तो माना जा सकता है कि आज एक पाठशाला लगने वाली है, सिखाई जाएगी राजनीतिक गुर जो है। सब तो वड्डी गल ये है कि मीटिंग्स होनियां बहुत जरूरी होंदियां ने, क्योंकि मीटिंग्स दे विच ही असी जिहड़ी अपनी अगली रणनीति वो तय कर सकते हैं कि किस तरीके असी हलकियां दे विच काम करना, किस तरीके लोगों के नाल उन्हां दे मुद्दे हल करने लिए असी किस तरीके अगे वध सकते हैं। जी मंत्रिमंडल च मैम थोड़ा नाम का जिक्र हो रहा है कि तुहानू जरूर मंत्रिमंडल च शामिल किया जाएगा, पर नाम नहीं आया। और थोनों तक कोई नाराजगी नहीं मैम? देखो वीरे, पार्टी का जिहड़ा फैसला हुंदा ना, हर एक सिर मथे आ। इस टाइम साढ़े कोल अपने अपने हल्कियां दी जिम्मेवारी है। पार्टी बड़ी समझदार पार्टी है, जो भी फैसला करती है बड़ी सोच समझ के करती है। असी हर एक जिहड़ा पार्टी का फैसला उहदे नाल आ। मैम एक वूमेन नू जगह मिली है कैबिनेट, जिहड़े होर सत्त बंदे ने एक्सपेक्ट करदे हो वी होर भी वूमेन होनी चाहीदी उहदे विच? देखो ये मैं तुहानू पहलां भी दस्या भी असी पार्टी दे हर एक फैसले दे नाल आ। पार्टी दे जेड़ा भी फैसला पार्टी ने करना उन्होंने पंजाब दे भले वास्ते करना। ते सो जेड़े बने ने उन्होंने बहुत बहुत मुबारक, वाहेगुरु उन्होंने बल बख्शे कि वह पंजाब का हर एक मुद्दा जो जो उन्होंने डिपार्टमेंट्स मिलते हैं हर एक मुद्दा जेड़ा बड़ा अगे वध के हल कर। अगली लिस्ट दे विच अनमोल गगन मान दा नाम आएगा? मैं तुहानू कहा जी, इस पार्टी ने साडी जिथे जेड़ी ड्यूटी लाउणी आ असी दिन रात एक करके निभाउणी आ। ते बड़े समझदार लोग बैठे आ, सीएम साहब दा जेड़ा भी फैसला होगा, हाई कमांड दा, केजरीवाल साहब दा जेड़ा भी फैसला होगा, सानू सिर मथे आ जी।